हेलो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले यूको एम पासबुक में कैसे रजिस्टर करें और जो है आपका जो भी बैंक अकाउंट यूको में है उसका लेन देन आप जो है अपने मोबाइल में कैसे देखें इसके बारे में डिटेल बताएंगे बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तो इसमें जो है आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा ये जो है रजिस्टर करने के बाद हमें इस ऐप में बताएंगे तो को सबसे पहले जो है आप प्ले स्टोर में आ जाना है प्ले स्टोर में आने के बाद जो है आपको यूको एम पासबुक सर्च करना है सर्च करने के बाद इसे जो है आप इंस्टॉल कर लेंगे जैसे ही आपका यूको एम पासबुक ऐप इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद जो है आप यहाँ पे पर ओपन पर क्लिक करेंगे ओपन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखते हैं इस तरह का इंटरफेस आएगा और आपको जो है यहाँ पे नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन है वो आप रीड कर लेंगे उसके बाद जो है एग्री पर क्लिक करेंगे एग्री पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यूको एम पासबुक रजिस्टर तो आपको जो है यूको एम पासबुक रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंट नंबर तो जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो जो है आप यहाँ ऊपर इंटर करेंगे और जो आपका मोबाइल नंबर है रजिस्टर मोबाइल नंबर जो भी इस बैंक के साथ जुड़ा हुआ आपका नंबर वो नंबर यहाँ एंटर करेंगे अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है आपका अलाउ करेगा कि आपका फ़ोन जो भी कॉल्स है उसको मैनेज करने के लिए अलाउ के पे क्लिक करेंगे उसके बाद ये प्रोसेसिंग में चला जाएगा और यहाँ पे जो है आपका जो भी अकाउंट नंबर है उसके हिसाब से आपके यहाँ पे नाम दिखा देगा उसके बाद जो है आप यहाँ पे यस पर क्लिक कर लेंगे इस पर क्लिक करने के बाद ये दोबारा प्रोसीड होगा और यहाँ पर दे सकते हैं एक यूज़र ओ आपके बैंक की तरफ से भेजा जाएगा जो कि आपको यहाँ पर इंटर कर देना है जो है ओ आ चुका है डबल तो यहाँ पर जो है आप इंटर कर लेंगे जो भी आपका आएगा डबल फोर थ्री फाइव थ्री नाइन इंटर करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जो है सबमिट का ऑप्शन है तो यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे उसके बाद जो है आप चार डिजिट का कोई भी पिन इंटर कर लेंगे यहाँ पे नया सेव करने के लिए नया सेव कर लेंगे जैसे हम जो है अपना एम पिन सेट कर लेते हैं उसके बाद दोबारा जो आपने ऊपर डाला वो दोबारा यहाँ पे सेट कर लेना है उसके बाद जो है सबमिट पर क्लिक कर देना है ये जो है आपका यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर प्लीज़ लॉगिंग यूजिंग न्यू एम पिन तो यहाँ पर जो है आपको ओके पर क्लिक करना है ओके पर क्लिक करने के बाद जो भी आपने पिन इंटर किया था वो पिन यहाँ पे डाल देना है इंटर करना है उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखते हैं युको एम पासबुक इज साइनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम प्लीज़ टू से थ्री मिनट वेट करना होगा उसके बाद जो है सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है लास्ट साइनिंग टाइम यहाँ पे इसको एक क्लिक करके प्रोसिंग कर लेंगे और जो भी अमाउंट है आपके अकाउंट में आपके अकाउंट में जितना पैसे हमारे में जो है जीरो पॉइंट नाइन पैसे नब्बे पैसे हैं यहाँ पे जो है आप इस पर क्लिक करेंगे तो अकाउंट इनफॉर्मेशन पर तो आपका जो भी अकाउंट है वो आपका दिखा देगा अकाउंट नंबर और यहाँ पे सेविंग जनरल रूरल तो यहाँ पे जो है फिर होम पर आ जाएंगे होम पर आने के बाद यहाँ पे देखते हैं पर्सनल लेजर अकाउंट स्टेटमेंट सेटिंग चेंज पिन अगर पिन चेंज करना आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं यूज़र प्रोफाइल देखना हो तो आप यूज़र प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर जो भी एड्रेस है कस्टमर आई डी सब यहाँ पर आपको शो हो जाएगा बैंक आ जाना है बैंक आने के बाद यहाँ पे पासबुक देख सकते हैं आपका जो भी लेन देन है देखना है आपको कि कब कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ है कितना पैसा कहाँ भेजा गया है तो पासबुक पर क्लिक करेंगे पासबुक पर सबसे पहले यहाँ पर जो है आपका अकाउंट नंबर अकाउंट टाइप ब्रांच फोन नंबर आई एफ एस सी कोड जो भी बैंक का होता है एम आई आर सी वो किस में है कस्टमर आई डी अकाउंट नेम और एड्रेस उसके बाद जो है आप यहाँ पर दोबारा यहाँ पर नीचे कॉर्नर पर देख सकते हैं इस पर पासबुक पर क्लिक करना है पासबुक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपने जो भी लेन देन किया है जिससे भी पैसे आए हैं भेजे गए हैं सारे यहाँ आप पर आपको दिखा दिया जाएगा जैसे आप देखते हैं हमारा जो है चार्ज जो है कार्ड के लिए दो सौ रुपये डिडक्ट किया गया है काटा गया है उसके साथ अट्ठारह परसेंट अट्ठारह रुपये जी एस टी लगा हुआ है उसके बाद जो है फिर अट्ठारह रुपया स्टेट जी एस टी लगा हुआ है इस तरह से जो चौबी चार्जेज आपके बैंक के द्वारा काटा जाता है वो सारा कुछ यहाँ पर दिखा देता है इस तरह से जो है आप यहाँ पर दस पेज तक जा सकते हैं नेक्स्ट पर क्लिक करके एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ये दस पेज जो है आप यहाँ पर दे सकते हैं कि आपने कितना लेन देन किया दस तक दस पेज तक तो इस तरह से जो है आप यूको बैंक में रजिस्टर कर सकते हैं और अपने एम पासबुक को यूज़ कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी जान सके कि एम पासबुक में कैसे रजिस्टर करें यूको बैंक का और कैसे इसको यूज़ करें धन्यवाद